होस्ट एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो नान चाकू को पकड़ने का तरीका होता है उससे आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि ये नान चाकू किस प्रकार से चलाता है और किस यूज़ के लिए ये नान चाकू चलाता है। जैसे कि मेरी ही काफ़ी वीडियो में आप देखे होंगे, कभी मैं यहाँ नान चाकू को पकड़ता हूँ, कभी मिडिल में पकड़ता हूँ, कभी बहुत ही ज़्यादा एंड तक ले जाकर पकड़ता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्या यहाँ पकड़ना गलत है कि यहाँ पकड़ना सही है कि सबसे ज़्यादा सही यहाँ होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम जो नान चाकू को यहाँ पर पकड़ते हैं ना एंड में, तो इससे क्या होता है, नान चाकू के ऊपर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है और हम इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में स्विम कर पाते हैं। कुछ देखिए, कुछ इस प्रकार से कुछ हम साइड में कुछ ज़्यादा स्पीड से इसको स्विम कर पाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के पास रख रहे हैं, हम अपने बॉडी के पास रख रहे हैं और ये जगलिंग ट्रिक है। ये नान चक का जगलिंग ट्रिक करने के लिए हम सब यहाँ से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये भी देखिए, ये जो हम लिए यहाँ से स्विम किए, जस्ट अप हिट एंड स्विम, जस्ट स्विम एंड स्विम, ये क्या है, ये जगलिंग ट्रिक, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम नान चक को ज़्यादा से पास रखते हैं, पास में पकड़ते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नान चक के ऊपर बना रहे। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे पकड़ते हैं एंड में, तो क्या होगा कि आपका रेंज भी काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए, इतना यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो इतना रेंज हमारे ओपोनेंट का कम हो जाएगा। मिडिल में जब हम शुरू में बिगनिंग में सीखते हैं सेल्फ डिफेंस के मूव, तो हम मिडिल में पकड़ते हैं और ये जो ग्रिप बना रहता है नान चाकू का, जब हम अच्छे तरह से नान चाकू चलाना सीख जाते हैं तो यहाँ पे पकड़ के हम नान चाकू अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारा रेंज भी काफ़ी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, हालांकि इसमें स्पीड नहीं होता इस पर जो यहाँ पे पकड़ते हैं, इससे स्पीड नहीं आता है ज़्यादातर, ये एंड में पकड़ने से स्पीड नहीं होगा, लेकिन आपको पावर काफ़ी ज़्यादा और रेंज मिलेगा। मिडिल में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब, और हमारा कंट्रोल अच्छे से नान चाकू को हो जाता है, तो हम जो ग्रिप बना रहता है वहाँ पे नान चाकू को पकड़ते हैं और इतना जगह रखते हैं यहाँ पे हिट करने के लिए, ओपोनेंट को नॉक करने के लिए, इस हाथ से भी हिट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर ओपोनेंट को जस्ट इस प्रकार से हिट करने के लिए यहाँ पर इतना गैप रखते हैं, पूरा एंड नहीं पकड़ने। और यहाँ से जब ओपोनेंट का सपोज स्टिक है तो जस्ट यहाँ से सपोर्ट घूम करके वहाँ से स्टिक छुड़ाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।